वो भाई जान आप मुजस्सम नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो चले जा रही है भाई, ठीक है ये चल सकती है। फिर तो अगर वो 50% वाला कह रहा है खैर वाली बात है, आपकी सोनी का मास्क अटक गया इलेंट में जमा कर रहा है ये में नाम। और अब तो माशाल्लाह से हमारे पास 3 दिन और आना है, टेंशन ही नहीं है किसी को भी पड़ा करते। और क्या ये वाली आओ यार, तो ये पता नहीं क्या होता है, ये बोल रहा हूं वैसे बोल रही है हम यार। अच्छा मैं आपके लिए वो करवा दूंगा, आगे इंट्रोडक्शन करवा दूं। सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं, तो यहां पे चल ही आ रहा है। तो नंबर 1 पे जो बैठे हुए हैं ये है मुजीबुर रहमान, ठीक है। और ये मुजीबुर रहमान साहब का तारुफ ये है कि ये भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और इस बंदे के साथ हमने बड़ी अखबारियाँ काटी हैं, जो बात है बहुत अखबारियाँ काटी हैं। रिक्शे भी चलाए, टैक्सियाँ भी चलाई, सुजुकियाँ भी चलाई, साथ काम भी किया, दोस्तियाँ भी चली, सब कुछ। और मुलाकात कहाँ हुई थी मुजीब साहब हमारी? स्नोकर कलम में जो है ना हमारी मुलाकात हुई थी, और वहीं से फिर जो है ना इतने बढ़ते चले गए कि हमारे अब्बा ने एक टाइम पे काम हमें बोलने की बजाय इनको बोलने शुरू कर दिए। और अब्बा के कमेंट ये थे कि तेरे दोस्तों में एक ही दोस्त अच्छा है। जिंदगी में पहली बार मेरे अब्बा ने मेरे किसी दोस्त को अच्छा बोला, और वो ये शख्स था मुझे बोल रहे मान। अच्छा नंबर 2 पे नहीं, ये बंदा दो नंबर नहीं बोल रहा है, नंबर 2 पे है ये। अब मैं इसको सादिक बोलूं या जुगनू डांसर बोलूं, क्या बोलूं भाई? शिकारी साहब। अच्छा इत्तेफाक के बाद इनसे भी मुलाकात हुई, स्नोकर में ही हुई। अच्छा हुआ ये कि आपको भी मतलब ऑडियंस को नहीं कह रहा, आपको भी बता रहा हूँ ये बात, यहाँ पे मुलाकात भी कहते। हुआ ये कि हमारे कामरान भाई हुआ करते थे, उन सबको पता है अभी भी है, अभी भी अल्लाह आपको जिंदगी देते हैं। स्नोकर खत्म हो गया तो और हम स्मोकर में लगे हुए थे। स्मोकर के तो आरिफ भाई एक बंदा एंटर होता है स्मोकर, और वो आरिफ साहब। अच्छा ये जाते छोटी टेबल है, छोटी टेबल टोकन वाली, हाँ टोकन वाली, वहाँ जाके अपना जो है ना डंडियाँ चलाना शुरू करती हूँ, और मैं खेल रहा हूँ गेम अपना उनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा नजर इस पर है, क्या ये टी शर्ट सी पहनी हुई, और क्या ये फैशन वैशन का लड़का ये है कौन, और वहाँ पे ये दिखा रहे हैं। अब कामरान भाई ने तुमसे तारीफ कर ली कि ये डांस करे और फलान है, अब हमें पहले सुबह के यार कुछ देखे तो देखे, तो हम करते करते गेम छोड़ के इसके पास आते। तो कामरान भाई को पता है निकाल लेते हैं, उन्होंने इनसे बोला कि भाई थोड़ा सा यार तो म्यूजिक श्यूजिक कौन करो, उन्होंने म्यूजिक कौन करा, इन्होंने दो चार पेयर गाया, मैं बड़ा मुतासर हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने फन का और मुजाहरा किया, इन्होंने जो आगे तो की आवाज़ें निकाल दी, अरे अब भाई यार हमारे भी कीड़े तो थे, सो रहे थे वो जाग गए, जितने कॉन्फिडेंस से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, ये मतलब आप लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, ये भी इस बंदे का दिया जो बात है, इसी ने मुझे स्टेज पे लड़ा किया, इसी ने मुझे माइक पर लड़ा सिखाया, इसी ने मुझे बोलना सिखाया, मैं क्यों झूठ बोलूं जो बात है। तो उससे मैं फिर कह रहे इसके साथ बारह वो अभी लंबी छुट्टी में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि फिर हम शादियों के प्रोग्राम किए, हमने फिर एक्टिंग के हवाले से भी वो एक लंबा एक करीब फिर वीडियो में बनाऊंगा कैसे वो प्रोसेस बना, और बारहवीं जिस बंदे ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और फिर हम नचनिया तो नहीं बन सके कि हम कभी नहीं नाच पाया, कोशिश की, और लेकिन ये है कि एक चीज़ मिल गई कि आपको बोलना कैसे है और आपको घबराना, वो चीज़ मैंने इस बंदे से ली। तो ये है सारे इनका तारुफ किया। उसके बाद आ जाते हैं मोहित भाई, ये हमारे मोहित भाई, इनका जो सब टाइटल है वो है बर्बाद, बर्बाद किसी को कत्थे नहीं ना खुद है ये टाइटल है बर्बाद। इनसे भी मुलाकात इस नौकर में हुई। अच्छा आरिफ भाई ये वाक्य कह रहा आपको पता होना चाहिए, इनका गेम मुझसे बहुत अच्छा था, मेरा गेम उतना नहीं था, तो मैं पॉइंट लेके खेलता था,
अब पॉइंट लेके खेलता था और पॉइंट इतने ले लेता था कि मैं हरा और ये जोशी आके दे देते थे। खैर बराबर में भी खेला फिर बाद में आके जब गेम हमारा भी बन गया हमने बोला अब आपको मत बनी। अच्छा इसके बाद हम बैटिंग खेलते थे और बैटिंग में 200 की खेली 500 की खेली ये हार जाते थे। अब हार गए 500 मिल गए हमें, उसके बाद क्या करते थे उसी 500 का जाके हम डिनर करते थे। ऐसा ही है भाई। कभी कभी मोहित भाई भी सोचता है कैसा पागल इंसान है, अभी जीते कैसे खत्म। अरे इसके साथ ये ऐसे ही होता था फिर भाई एक टाइम आया बराबर में भी खेलने लगे, कभी हार जीत भी होती थी। भारत जोशीला बंदा ऐसे कह सकते हैं मोहित भाई, इनके साथ हमारे जो है इस तरह के मास्क और फिर वो हमारी दोस्ती चलती 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 वो चल रही है तो कभी बैठे साथ। और उसके बाद जो शख्सियत है थोड़ा फेस दिखा दे आरिफ भाई और मूसा, नहीं नहीं ये वो वाला नहीं, ये बहुत अच्छी दुकान है। आरिफ भाई के साथ मुलाकात हुई स्नोकर में हुई। आरिफ भाई ठीक है कैजुअल थे, इनकी भी मतलब मुझसे सीनियर थे, गेम अच्छा था इनका, लेकिन ये है कि बाद में फिर हम बराबर होकर खेलते थे आपस में, बैटिंग नहीं खेलते थे, दूसरों के साथ खेलते हो मेरे साथ नहीं खेलते थे। मेरे साथ पीछे लगती थी मेरा बैटिंग, पीछे बैटर में लगा देते थे मुन्ना भाई लगा देते थे, हमें पता ही नहीं हम अपना गेम खेलना, बाद में पता चल गया था चस्का दौड़ में आ गया तो मेरा बैटिंग बड़ी बैटिंग अमिताभ के साथ खेली थी। तो इनके साथ वहाँ पे मराठू में, अच्छा इनके साथ जो है ना थोड़ा मामला अलग है, अलग यूँ है उस दौरान हमें तस्वीरों के बहुत कीड़े थे और मोबाइल शोबाइल इतना बहुत ज़्यादा चलाना आता नहीं था, तो आरिफ भाई इस चीज़ के कीड़े थे। आरिफ भाई के साथ हम देखते थे वहाँ भी वहाँ भी आरिफ भाई बता देते थे ऐसे होगा ऐसे होगा हम, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई लालची थे, उसकी अलग चल रही थी सीख गिर वो कैसे थे मुखले सीख, तो इनसे जो है वो चीज़ें सीख। अच्छा एक चीज़ और मैं दो तीन तस्वीरें जो है वीडियो में लगा के आपको दिखाऊंगा जो इन्होंने उस वक्त खेती थी कभी किसी जमाने में, ऐसा लगता है जैसे आप ये थे ना यकीन जान अभी ये वीडियो कम्प्लीट होती मैं दिखाऊंगा आपको। मतलब एक गदाबाड़ी वाला आदमी, एक खुआरी करने वाला आदमी, मट्टी दूर बैठा हुआ आदमी, सब ऐसे ही थे, सब ऐसे ही थे। उसको उनने तस्वीरें बनाई और उसके अंदर जो आप ही के क्या कमेंट्स हैं ये वही लगता है। तो इससे हमें मतलब वो हुआ कि कुछ कंप्यूटर के बारे में आपको मिला, मोबाइल के बारे में सीखने को मिला, वो एडिटिंग का चक्कर था, तो इस चक्कर में अटैचमेंट मेरी और आरिफ भाई की थी ना वो थोड़ा ज़्यादा उस तरह से स्ट्रॉन्ग हो गई कि यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मगर अंडे वाला बर्गर डबल अंडे वाला बर्गर डबल अंडे वाले बर्गर का भी एक कनेक्शन था बीच में ना वो आरिफ भाई को पता है ये आरिफ भाई का जो है ना वो तारुफ कम्प्लीट हो गया। उसके बाद है मौजूद अलीम भाई। अच्छा अलीम भाई का थोड़ा डिफरेंट है भाई, अलीम भाई इस नौकर में नहीं मिले मुझे, अलीम भाई ने मेरी मुलाकात हुई एक कोचिंग सेंटर में, लैंग्वेज सीखने जाया करता था मैं सरशम सैंग्लोफाइल, सरशम सैंग्लोफाइल में मुलाकात हुई अलीम भाई के साथ। तो अलीम भाई थोड़ा सा माशाल्लाह जीनियस है हमारे यहाँ नहीं है, तो लैंग्वेज के हवाले से भी इनके साथ होती रही, फिर वो जो इनका बोलने का अंदाज था थोड़ा तेज तरार है ऐसे लोग पसंद है, और मतलब कहने का तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो मैं एक्सपायर था इनसे बढ़िया तो मिलेगा इस तरह से इनसे गपशप होती। फिर रास्ते में दीदी थी बिल्कुल वो याद कर लेना तो रास्ते में जो है ना हमारे बीबी से पढ़ता था, बीबी सी मतलब के एफ सी व्याप सी उस तरह का नहीं, बीबी सी मतलब या तो उन्होंने से थोड़ा बीबी सी का मतलब बर्गर एंड रोस्ट सेंटर ऐसे तो वहाँ जाया करते थे, फिर हम जो एक दूसरे के साथ हमारी गपशप होती थी, सुबह मेला होता था वो हम करते थे।
तो उसके हिसाब से। अच्छा, इनके साथ कनेक्शन ज़रा डिफरेंट इसलिए रहा कि इनका ग्राफिक का काम था, मुझे ग्राफिक के काम से थोड़ा ताल्लुक रहता था। जैसे ये आप देख रहे हैं टी शर्ट जो है ये अलीम भाई ने बनाई है, ये मेरे चैनल की है। आप देखोगे अभी इंटरव्यूज आएंगे ना, इसके बाद इंटरव्यूज के अंदर आप देखोगे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये डिज़ाइन अलीम भाई ने की, और उसके अंदर जो शील्स मैंने मेहमानों को दी हैं उस इंटरव्यूज के अंदर वो भी अलीम भाई ने बनाई है। तो इनका ये मतलब बिजनेस रिलेशन भी हमारा चल निकला और एक ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हमारा चल रहा था। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जियो फ्रेंड्स रेंटा कार है, इसके ऑफिस के अंदर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, उसके ये ऑनर हैं रोहित भाई। मतलब मैंने बर्बाद कहा तो आप ऐसा वाले बता दीजिए भाई, लगता हुआ आप करके दिखाऊंगा मैं आपको बाहर से रेंटा कार का। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मसरूफ आदमी है। तो ये इंट्रो था मेरे सारे दोस्तों का, और 7 साल के बाद तकरीबन मुलाकात हो रही है हमारी। 7 साल के बाद मैं आया हूँ कराची, और इतना मौका मिल सका कि इस तरह से लोगों के साथ बैठ के बात कर सके। पहले भी आया प्राइवेटली सबसे मिला और सब कुछ चक्कर, तो इतना टाइम नहीं मिल सका। और ये गपशप हुई है, मैन थैंक्स और शुक्रिया और तुम्हारा कि हम सबको इकट्ठा किया। तो मैं अभी कहता आपका कमेंट हुआ ना, तो अभी सबसे पहले तो हम जाते हैं मुजीब भाई के पास। मुजीब भाई के साथ थोड़ा गपशप करते हैं और उसके बाद फिर मान भाई और सबके पास आते हैं। मुझे भाई आप भी थोड़ा कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें इसी के बारे में। मैं क्या यादें ताज़ा करूं भाई, जी भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि जो हमारे भिखारी भाई हैं इनकी तारीफ थोड़ी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि तारीफ के बगैर सचते नहीं डिलीवर की। इसलिए मैं चाहता हूँ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ हो। जब ये श्लोकर में आते तो सारे चौंक जाते हैं, तो सारे चौंक जाते हैं। अरे अरे वो याद आ गया मुझे, अच्छा तो लोग ये सोचते थे यार ये क्यों आया इस नंबर पे आया है, क्यों आया है? और आगे में एक स्टाइल होता था सुल्तान भाई वाला, इनसे बहुत ज्यादा लोग इंजॉय करते थे। गर्व के नाम खेल तो क्या खेलते थे, ड्रामे करते थे, लेकिन लोगों का इंजॉय मतलब ये हमारे पिन करके आते थे हमें मुझे अपना टाइम भी पास करते थे और दूसरों का भी कराते थे। अच्छा एक बात और इनकी बहुत अच्छी है, साकिब भाई ऐसे इनका नाम रिटर्न ड्यूटी भी है, कर्नल शिकारा भी है, लेकिन सबसे अच्छी जो बात है इनको आप कितना भी मेलिंग कर लो साजिद भाई इजारे ख्याल करेंगे जरूर भी कह सकते हैं आप। मुझे लगता है मैं किसी तारुक का मोहताज तो हूं नहीं, मुझे लोग पहचान चुके हैं आपको। अच्छा सच जो है ना वो सच होता है, एक मजाक हंसना बोलना दुख तकलीफ बीमारी जिंदगी के साथ हो, लेकिन मुजीबुर रहमान नाथ खान मेरा उस्ताद मोहतरम, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, मेरा उस्ताद भी है। तो हंसते बोलते भी हैं, हंसी मजाक अपनी जगह पे, लेकिन आज मैं अगर नाथ खान हूँ तो मैं सी हूँ, इसको देख के मेरा जज्बा और मैं इनके अंदाज में पढ़ता हूँ आज भी, यानी कि मैं फॉलो करता हूँ इनको, पढ़ता हूँ इनके अंदाज में। भाई ने यॉर्कर मार दिया इसने और क्लीन बोल्ड कर दिया भाई, और इन बातों के अंदर एक और बात भी याद आ गई, आपको भी याद होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा आप भी जहरीले होने के लिए तैयार हो। मुझे वो मैं भी याद है, आखिर में हम मुजीब भाई से वो सुनेंगे भी आपके। इस लोग करके एक बात याद आ गई, याद आप कुछ टोर्नामेंट आपको याद कैसे पड़ता है, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर ऐसा हुआ था क्या? हाँ ऐसा ही आया था क्या? ये भी याद करना पड़ेगा, ऐसा हुआ था भाई 12 था। हाँ तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट को जमीन पे मारा, अरे ये बोल के मारा हार कैसे गया, इस तंग के आदमी से मैं हार कैसे गया, चलो मुझे इससे हारता तो समझ में आता, पर इससे हार गया इसको तो मैंने सिखाया भाई। ये होता है देखो, अगर मैं इसको ट्रिक करता था तो मुझे ट्रिक करने वाले लोग भी थे, ये भी आप देखे बहुत अच्छा। और साहिबों ने उतारा जो
मतलब ढूंढने से वक्त रोक के वो आपसे नहीं आएगा, वो नहीं वापस, लेकिन मिलने के बाद यादें ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल यादें ताजा, ठीक है सर। और उसके बाद भाई सबसे गलत काम वाले को भाई वो कहते हैं कि सबसे अच्छा बहुत बुरी जो हंस के लिए बोल रहे हैं, अब इसके लिए तारीफ तो कुछ करेंगे नहीं, बस सारा डिसीजन सब कासिम भाई को जाता है कि अरसे के बाद हम सबको इन्होंने मिलाया। दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कॉन्टेक्ट में नहीं थे पर मोहब्बत से वही बढ़ रहा है, वही बढ़ रहा है। आज से इंशाल्लाह सब कॉन्टेक्ट में भी आ जाएंगे, मुलाकातें भी जरूर रहेगी भाई। वो कहते हैं ना जब लाइफ आगे निकले तो पीछे कुछ याद नहीं रहता, हकीकत बात है भुगतान की याद कर और ताज़ा किया और मज़ा आया, ऐसे ही महसूस फील हो रहा है जैसे एक तरफ में बैठे और वो ऐसी मजाक वाला माहौल और तरक्या सबकी देख के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम कासिम भाई को देख के बोलते हैं अल्लाह पाक इनको और तरक्की से चेंज किया अपने आप को, मतलब स्टेप भी चेंज कर दिया। ऐसे लोग हमें देख के कहते हैं, लोग हमें पहले समझाते थे भाई अरे तुम क्या कर रहे हो यार, किस कौन फैमिली से ताल्लुक है, कुछ किन चक्करों में लगे हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबको देख के अपने आप को चेंज किया। आए लोग हमें भी देख के कहते हैं कि यार बाकी चेंज ही ना हो, तो भी इसी तरह भाई अब खुशी है कि माशाल्लाह सब मिले बैठे, आरिफ भाई ये सब हमारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त देखा है नरोज भाई जिनको बुलाना समझा बुलाना सजे भी और आपको सबूत दिया हुआ है शाहरुख ना। अच्छा इसके बाद जो बात है सच्ची बात ये है कि देखो मैं सबसे मिला हूँ सब माशाल्लाह से, सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब डिफरेंट लगा और आरिफ भाई आप देख भी रहे हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पॉजिटिव थे माशाल्लाह। तो आइए चलते हैं आरिफ भाई की तरफ, आप चाहो तो लगा लो आराम से बात करते सबसे ज्यादा शुक्रिया था जैसा पूछने का था वो कासिम का, ये हकीकत है कि अच्छा हो गया कि हम लोग आपस में नहीं मिल गए क्योंकि हाजी भाई अपने मसरूफियात में आगे ना कॉन्टेक्ट कर पाए ना मिल पाए, और दूसरा बेसिक के हमारा जो एक ठिकाना था इस मौका वो ही उजड़ गया, वही एक तो धन आ लेते सारा भरा भी गया। तो आज ये कासिम की वजह से हम लोग सब साथ में बैठे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। दूसरी बात कासिम के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि आठ वर्ष करना है ये, क्योंकि इसने शुरुआत इसकी हमने देखी है, फिर इसको ऊपर अप देखा, फिर ये डाउन हुआ और डाउन के बाद फिर आज माशाल्लाह के अप है, और हमारी दुआएं सब की अल्लाह ताला इसको और मजीद तरक्की। और इसके साथ अलीम भाई, अलीम भाई की भी बारी आनी है ना। पहले तो देखने वाले सरदार ठीक है, इसके बाद कासिम भाई ने जैसे बात की है मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो हर इंटेलिजेंट यही समझता है सामने वाला कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात शुरू से ही मतलब पहले दिन से ही हमारे ताल्लुकात ऐसे रहे कि जैसे हम पत्नी कितने सालों से एक साथ चल रहे हैं, एक साथ गुजार रहे हैं, और फिर इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। और इसका जो तरीका था मतलब इनका नहीं इसका जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था, बात करने का तरीका और इतना जो कॉन्फिडेंस इसने मुझे डेवलप किया, मैं ठीक तरह नहीं बोल पाता था इंग्लिश, लेकिन ये फिर भी मुझे ज़बरदस्ती घसीटता था कि नहीं कब सीखेगा कब सीखेगा, और ये तेल लगाना थोड़ा कम कर वो जो इसके डायलॉग है वो मैं नहीं भूलूंगा, और ये मुझे शुरू से ही पुशअप करता रहा और अभी तक करता रहा है, और इसकी एक सबसे अच्छी आदत ये है ही इज नेवर स्टॉप, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मतलब कभी हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं भाई, हर दफ़ा कोई एक नया चैनल लेकर आता है, मतलब क्या करना चाह रहा है। तो और इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने सबको जमा किया, और ये जो मूवमेंट है ये यादगार लम्हे बन जाते हैं जिंदगी के लिए, ठीक है। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये अनफॉरगेटेबल मूवमेंट है मेरी लाइफ के, देखें हो सकता है किसी के लिए ये चीज़ें अहमियत ना रखती हों लेकिन मेरे लिए रखती है, इसलिए कि आज दुबई में जाकर और काम करके और जब हम बाहर जाते हैं आपको महसूस होता है कि यार हाँ यार मेरी जेब में 2000 दिरहम पड़े हुए हैं, हाँ यार मेरे नीचे जो है कोई बेहतरीन गाड़ी है, ठीक है,
और हाँ यार मेरे जेब में आईफोन रखा हुआ है, लेकिन यार मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ जितने गरीब आप हो जाते हो वो शख्स फील कर सकता है जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। हाँ मैं नहीं कह सकता कि दुबई में जाके दोस्तियाँ नहीं बन सकती, बन सकती हैं बिल्कुल, वहाँ दोस्त होते हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मगर जितने कैजुअल अंदाज में मैंने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है, जिस तरह हम अब तुम कड़ा कर रहे हैं या करते थे या हमने जिस तरह टाइम गुजारा है, वहाँ पर जो एक लिमिट आ जाती है ना, आप जनाब जी कैसे हैं, काम कैसा है, फलां फलां, तो वो उस सर्कल में फ्रेंडशिप आ नहीं पाती, वो मज़ा नहीं आ पाता जो आपको यहाँ मिलता है। और फिर जो यादें हमारी एक दूसरे के साथ वापस है, वहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं है और हमने रातें गुजारी नहीं है साथ, तो ये अनफॉर्चुनेटली मूवमेंट्स का टाइम का नहीं पता चलता था, टाइम का पता नहीं चलता था। तो अब ये है कि हालात में दिलीप भाई एक नाथ से पहले रुबाई पढ़ा करते थे, नाथ से पहले चार बजे बाहर निकलना है, रुबाई आप ने देखा तो गाड़ी के नंबर पर एक कोई ट्रिपल एक्स कॉल के ले गया था। अच्छा और तो आपकी तन्हा 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 भाई बाइक भी याद है, इनकी बाइक का नाम हुआ था लगा तन्हा की लड़की ना समझ क्लियर कर रहा हूँ मतलब। तो अभी लास्ट में जरा मुझे भाई से रुबाई पढ़ा करते थे, ये वो रुबाई है कि जब मैंने पहली बार सुनी थी यकीन जाएंगे मेरी आंखों से भी आंसू जादू हो गए थे, और माशाल्लाह जिस महफिल में इन्होंने पढ़ी है लोगों ने मतलब लोग सन्नाटे में आ जाते थे जब भी ये पढ़ते थे, और आप सुनते मुझे भाई से ना सकेंगे ना इन शाला आप लगा लो माइक लगा लो ताकि आप आसानी से ना जैसे आपको बैठा लगे। बात ये है कि नाच पढ़ने में कभी शर्म नहीं, माशाल्लाह ये बात सनम के पुजारी सनम जावते हैं और हरम के भिखारी हरम जावते हैं और हरम के भिखारी हरम जाते हैं और ये जान वाले जाओ हशम जाते हैं आपका करम चाहते हैं, अगर आप न सुनेंगे तो मेरी कौन सुनेगा, आप न करेंगे तो कौन करेगा, या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार आपका करम चाहते हैं। अर्श से उतरी हुई है बारात नूर की, अर्श से उतरी हुई है बारात नूर की, ये मैं कदा गया कोई वादी सरोर की गना नियाजी में कदा मैं फिर सजी हुई है मेरे हुजूर की, अगर आप न सुनेंगे तो मेरी कौन सुनेगा, आप न करेंगे कौन करेगा यार सुनगा, हम गुनाहगार आपका करम चाहते हैं।
वही वही जो है ना याद दादा हो गई जो हम महाफिल में जाया करते थे माशाल्लाह से अभी होती रहती है महाफिल माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ वो हसीन बात ये है कि नाथ तो सभी पढ़ते हैं मुंबई हर बंदा नाथ पढ़ लेता है लेकिन नाथ को पढ़ना फिर दिलो दिमाग में कोई नहीं होना चाहिए सही बात यानी नाथ को पढ़ना और नाथ को पेश करना वो आपकी बात है समझो आप बोल जो बोल रहे बिल्कुल नाथ था चार होते हैं चारों पढ़ रहे होते नाथ हाँ आप बोल दे रहे मगर हर किसी के अल्फाज में गलत वो होती है ना जो तुम्हारे अल्फाज है ना माशाल्लाह तुम्हारे मुंह की तारीफ की है वो ऐसा लगता है ऐसे हम पढ़ भी रहे और हमारे दिल में अल्फाज उतर भी अच्छा एक लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे सादिक भाई और जुगनू उन्होंने एक बात कही कि भाई मैंने आपसे इंस्पायर होकर सीखा कि नाथ पढ़ना कैसे उसकी बात की उन्होंने जब मैंने कहा था कि क्लीन बोल्ड कर दिया था उनकी बात बता तो अगर ये इंस्पायर हुए हैं और अगर इन्होंने कुछ सीखा है तो सिर्फ दो अशार हम जो है वो सादिक भाई से भी सुन लें आखिर वो कैसे इंस्पायर हुए और उन्होंने कितना सीखा अपने सोए मुकद्दर जगाया करो मैं तो सजाता था आका की महफिले और आका ने हमें जन्नती कर दिया सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अब इस भाई के दो अशआर सुनाऊंगा तवज्जो से सुनेंगे तो गैस जरूर आएगा या मुस्तफा आओ तेरे इज़्ज़त हाज़री का या मुस्तफा आओ तेरे इज़्ज़त हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर तेरे आप की गली का कर लूं नज़ारा आकर तेरे आप की गली का रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का या मुस्तफा अता हो तेरे ज़रे हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर तेरे आप की गली का आका हमें दिखा दो रमजान में मदीना आका हमें दिखा दो रमजान में मदीना बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफा अताओ तेरे
चलूं नजारा करूं तेरे आप के बनी का। तो आप देख सकते हैं कि जिंदगी में आपके कई रुख हो सकते हैं और किसी की जिंदगी फ्लैट बदल जाती है, किसी में बदलाव आते रहते हैं। ये भी बदलाव क्या एक आप कह सकते हैं एक रुख है। एक शख्स जिससे मैं इंस्पायर हुआ था डांस के हवाले से, मिमिकरी के हवाले से, उस शख्स से हमने आज माशाल्लाह नाच बात सुनी है। तो ये एक जिंदगी का बदलाव की बात है, ये एक लहरों की बात है। ये वो लड़का है जो इतना एंथुसियस था आप लोग ये वो, आज मैं देखता हूँ तो ये माशाल्लाह से इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, ये भी एक ठहराव है, ये भी एक बदलाव है। और आरिफ भाई को आपने देखा माशाल्लाह से, आरिफ मूसा भाई तनहा समझ जाओ, और आज आरिफ भाई, ये भी एक बदलाव है, एक ठहराव है। अलीम मुजीब साहब माशाल्लाह से इतने कंसिस्टेंट हैं, इनकी ज़िंदगी में इतना इस्तेहकाम है कि इनको मैंने जैसा देखा वैसा ही पाया 24/7 एनी टाइम, कोई गल ही नहीं। तो ये हमारे मामला हैं। तो भाई जान माशाल्लाह से बड़ी अच्छी नशिस्त रही, सबसे अच्छी प्यारी प्यारी बातें हुई। पता क्या बात है, आप ये थे कुछ बातें हम कैमरे में नहीं भी कर सकते, इसलिए हमें करना पड़ेगा कैमरा बंद। थोड़ा थोड़ा कैमरा कौन सकती है, इस वजह से बड़ा वाले ने लिया क्या, वरना ये बात भी ना हो पाती। तो इसके साथ जो है ना आज का जो हमारा सफ़र है, इख्तिताम नहीं कह सकता मैं, लेकिन इस पर आज यहीं ब्रेक लग जाएगी और ज़िंदगी के किसी मोड़ में, किसी लम्हे, किसी वक्त अल्लाह ताला हमें फिर कभी तौफीक दी तो इंशाल्लाह ताला फिर इकट्ठे होंगे, फिर दफ्तर पर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला इसी तरह से जो है चेहरों पर मुस्कुराहटें होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कासिम का गाना और तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह के बाद।